हैदराबाद की कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्विस रेलवे के स्टैडलर रेल के साथ भारत में एक रेल कोच फैक्ट्री लगाने के लिए ज्वाइंट वेंचर किया है। यह नया प्लांट तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश के साथ लगाया जाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर में ज्यादा शेयर्स स्टैडलर रेल के पास रहेगा और स्टैडलर रेल ही 1000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 2 सालों में करेगी। इस प्रोजेक्ट से आने वाले समय में लगभग 2500 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यह रेल कोच फैक्ट्री पहले से ही स्थापित तेलंगाना यूनिट में लगाई जाएगी और भारतीय मार्केट की मांग पूरी करने के साथ साथ एशिया पैसिफिक के देशों को एक्सपोर्ट भी करेगी। सबसे खास बात यह है कि इस ज्वाइंट वेंचर की घोषणा अभी स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में तेलंगाना सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी रामा राव और स्टैडलर रेल के सेल्स और मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंसगार्ड ब्रुकमेयर की उपस्थिति में हुई। तेलंगाना के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी रामा राव ने कहा कि उन्हें अत्यंत खुशी है कि स्टैडलर रेल ने पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए हैदराबाद को अपने प्राइमरी लोकेशन के लिए चुना। ये दर्शाता है कि कैसे भारत और खासकर हैदराबाद के पास कितनी क्षमता है कि वो टैलेंट और रिजल्ट के मामले में कैसे दुनिया के लिए एक उचित स्थान है। वहीं दूसरी ओर स्टैडलर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंसगार्ड के अनुसार यह यूनिट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है क्योंकि स्टैडलर रेल अब भारत और एशिया पैसिफिक में अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने जा रही है। एंसगार्ड के अनुसार उन्हें तेलंगाना सरकार के सहयोग को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्हें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में और ज्यादा बिजनेस मिलेगा। आपको बता दें कि मेधा सर्वो ड्राइव्स कंपनी को साल 2021 में इंडियन रेलवे से 2211 करोड़ रुपए का एक टेंडर अलॉट हुआ था जिसमें वंदे भारत जैसी ट्रेनों के कई सारे इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इस बुलेटिन को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।